Chintus. I am Barsha Mukherjee, your geography educator for classes 11th and 12th. I'm sure you are already taking lessons of geography with me. If not, then what are you waiting for? Come and join me and my classes on Unacademy Humanities or on the Unacademy app. But today we are here to discuss the BHU counseling. So let's talk about it. तो आज हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटरवेज की. जी बिल्कुल, आपने करेक्ट सुना है. इट्स नॉट द नेशनल हाईवेज बट द नेशनल वाटरवेज. जस्ट लाइक द हाईवेज वी ऑल्सो हैव नेशनल वाटरवेज विच आर नेविगेबल एंड दैट हेल्प्स अस टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. यस, यू हर्ड मी करेक्टली. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाटरवेज इन इंडिया, इनलैंड वाटरवेज, एंड वी हैव फाइव नेशनल वाटरवेज इन इंडिया. Number one, National Waterway number one. So the National Waterway number one, let's discuss. National Waterway number one, Allahabad to Haldia, Ganga River, Allahabad to Haldia. It expands over a stretch of 1620 kilometer, 1620 kilometers. Yes, and this entire route is navigable from Allahabad to Haldia. राइट तो देखा जाता है कि अलाहाबाद से हल्दिया तक जो है मैकेनाइज्ड बोट्स के थ्रू इस एरिया को, इस रिवर को हम लोग जो है क्रॉस कर सकते हैं. और यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स, फेरी, फ्राइट, बल्क गुड्स को भी जो है बड़े बड़े बोट्स के अंदर, क्रूज शिप्स के अंदर भेजा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसके अलावा हम देखते हैं कि हरिद्वार तक, तो गंगा रिवर का जो ओरिजिन है ऑब्वियसली उत्तराखंड में है, तो हम देखते हैं कि अलाहाबाद से हरिद्वार तक इसको छोटे छोटे बोट्स में, छोटे छोटे स्ट्रेचेस के थ्रू जो है हम नेविगेट कर सकते हैं. तो ये एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल वाटरवे नंबर वन, अलाहाबाद टू हल्दिया, 1620 किलोमीटर ऑन रिवर गंगा. इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके जो मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन्स है वो कौन कौन से. इस वाटर रूट को हम तीन मेजर डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो कुछ इस तरह से है. सबसे पहले देखा जाता है कि भाई हल्दिया टू फरक्का, तो हल्दिया से लेकर फरक्का तक एक डिवीजन है जहां पर की नेविगेशन बहुत अच्छे से होती है. उसके बाद हम देखते हैं भाई फरक्का से लेकर पटना तक और पटना से लेकर अलाहाबाद तक, ये तीन डिवीजन के अंदर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जाती है. तो दिस वॉज नेशनल वाटरवे नंबर वन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल वाटरवे नंबर टू. नेशनल वाटरवे नंबर टू, ब्रह्मपुत्र रिवर, and it is Sadia to Dhubri national waterway number 2. The stretch is 891 kilometer. Hum dekhte hain ki ye jo Brahmaputra river hai ye navigable hai Dibrugarh, that is 1314.8 kilometers, and it is shared by India and Bangladesh. So ye iska importance hai. So this is national waterway number 2. To hum dekh rahe hain ki jitne bhi important Himalayan rivers hai wo sare navigable hai, Ganga, Brahmaputra. Ab baat karte hain national waterway number 3 ki. नेशनल वाटरवे नंबर थ्री, कोट्टापुरम कोल्लम इन साउथ इंडिया, केरला, विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 891 किलोमीटर. द लेंथ ऑफ दिस कैनाल इज 891 किलोमीटर, विच इज नेविगेबल, जिसमें कि अगेन फ्राइट, पैसेंजर, बल्क गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसके अंदर हम देखते हैं चंपकारा एंड उद्योग मंडल कैनाल इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 4. सो जितने भी हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं दैट फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट, दैट इज बे ऑफ बंगाल, दैट डिबाउच देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, तो कृष्णा गोदावरी, राइट, कृष्णा गोदावरी अलोंग विद काकीनाडा एंड पुदुचेरी का जो स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच के अंदर भी जो ये रिवर्स हैं ये काफी ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप्ड है और ये नेविगेबल है. यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. कई बार हम देखते हैं कि इन्हीं रिवर्स के थ्रू हम लोग बहुत सारा जो है कोल और मिनरल रिसोर्सेस को भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द पेनिनसुलर इंडिया, विच इज नेशनल वाटरवे नंबर 4, एंड द लेंथ ऑफ दिस नेशनल वाटर इज 1078 किलोमीटर. नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 5. अगेन हम बात कर रहे हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर्स की, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे कि ब्राह्मिनी और हमारी महानदी रिवर. सो महानदी रिवर इज इंडियाज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, महानदी रिवर एंड ब्राह्मिनी रिवर. और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे है इंडिया का, और इसकी जो लेंथ है वो है 588 किलोमीटर.
So yes, this is it. These are the waterways, national waterways, which are very important from the point of view of your CUET. इस तरह के questions आपको exam में पूछे जाते हैं तो इनके वेटेज बहुत हाई है. इनको फटाफट याद कर लीजिए, playlist को सेव कर लीजिए, बर्षा मुखर्जी geography playlist या बर्षा मैम geography playlist, और इनको revise करते रहिए. I will be back with part 3 very soon.